तुझे मैं खो ना दूं, मिले जो खुद। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे दो ऐसे क्यूट कपल के बारे में जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में शादी कर ली और दुनिया के सामने करते हैं अपने प्यार का इजहार। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सहवाग और रिद्धि की लाइव स्टोरी से लेकर सोशल मीडिया लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों बच्चे नाबालिग हैं, क्या इनकी लाइफ में आने वाली है कोई प्रॉब्लम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। वहीं रिद्धि और सहवाग की वीडियोस तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सहवाग का फुल नेम सहवाग ठाकुर है और निकनेम सहवाग है। 18 अक्टूबर 2002 को अहमदाबाद के एक छोटे से गांव सिलाज में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर सहवाग 0055 के नाम से फेमस हो रहे हैं। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ। वही बात करते हैं रिद्धि की, तो रिद्धि का फुल नेम रिद्धि ठाकुर है और निकनेम रिद्धि है। 2004 को अहमदाबाद के एक छोटे से गांव सिलाज में एक बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर वाइफी के नाम से फेमस हो रही हैं। दोस्तों वही बात करें रिद्धि और सहवाग के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोनों अपने गांव सिलाज से ही अपनी स्कूलिंग पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं। डर है तुझे मैं खो ना दूं। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं रिद्धि और सहवाग की लव स्टोरी से लेके शादी लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में। सहवाग और रिद्धि एक ही गांव से हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सहवाग ने जब रिद्धि को पहली बार देखा तो सहवाग को रिद्धि से पहली नजर में ही प्यार हो गया और पढ़ाई की उम्र में सहवाग प्यार कर बैठे। सहवाग ने जब रिद्धि को प्रपोज किया तो रिद्धि ने मना कर दिया। अब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे तो मुलाकात तो हो ही जाती थी, और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रिद्धि को सहवाग का नेचर बहुत पसंद आने लगा और रिद्धि को कब प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला, और उसके बाद रिद्धि ने सहवाग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। सहवाग और रिद्धि पढ़ाई को छोड़कर प्यार कर बैठे, और उसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा शादी के लिए, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया। लेकिन सहवाग और रिद्धि की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और उनके प्यार को एक्सेप्ट करके शादी करवा दी, और दोनों की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से की गई। दोस्तों मैंने एक सहवाग की लाइव स्टोरी पर वीडियो बनाया था, वहाँ कई लोग काफी निगेटिव कमेंट करते हुए नजर आए। कई लोगों का कहना था कि इन्होंने गलत किया है, इनको जेल होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इनके घर वालों ने शादी कैसे करा दी, इनकी पूरी फैमिली को जेल में होना चाहिए। दोस्तों रिद्धि और सहवाग की शादी उनकी मर्जी से हुई है, उनके घर वालों की सहमति से हुई है, और हम कोई नहीं होते उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। और वहीं इनके फैंस इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। सांसों में तेरी महक। तो अब बात कर लेते हैं रिद्धि और सहवाग की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग के बारे में। तो सहवाग की आईडी सहवाग0055 के नाम से है और इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 132 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। सहवाग का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है सहवाग0055 के नाम से। सहवाग अपने इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए नई नई वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, उनके फैंस भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। दोस्तों तो अब बात कर लेते हैं सहवाग और रिद्धि की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। तो इन्हें ट्रैवलिंग करना, वीडियोस बनाना और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सहवाग और रिद्धि दोनों बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं और छोटे हैं। लोगों का बस यही कहना है सहवाग और रिद्धि को अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट करना चाहिए।
और बाकी उनके फैंस उन्हें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मांगे अपनी मुरादें तो मांगू। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। रिद्धि और सहवाग की जोड़ी आपको कैसी लगती है? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ। थैंक यू गाइस। सांसों में तेरी महक, हाथों मांगे अपनी मुरादें।